आज 30 अक्टूबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में सभी जगह में ड्राई वेदर ही था। कल हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ था मलकानगिरी में 34.2 डिग्री सेल्सियस। आज हमारा मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट था प्लेन्स में फुलवानी में 13.5 डिग्री सेल्सियस, हिल स्टेशन दारिंगबरी में था 13.0, जी उदयगिरी में था 11.0 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर सिटी में आज सुबह मिनिमम टेम्परेचर हुआ है 20.0 डिग्री सेल्सियस, कल मैक्सिमम टेम्परेचर था 32.2 डिग्री सेल्सियस। मेनी प्लेसेस में अभी मैक्सिमम मिनिमम बहुत स्वाभाविक का आसपास ही है। और अभी फोरकास्ट हमारा जो है अगला 2 दिन में आज 30 कल 31 तारीख ड्राई वेदर ही रहेगा सभी जगह में। 1 तारीख में एक दो जगह में हल्का बारिश हो सकता है, गजपति, गंजाम, पुरी, रायगढ़, कोरापुट 1 नवंबर में, और बाकी जिला में मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा। फिर 2 से 2, 3, 4 ये तीनों दिनों में हमारा साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, मेनली साउथ इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का से मध्यम बारिश एक दो जगह करके होने का चांसेस है। और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में मेनी प्लेसेस में ज्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, बट अगला 2 दिन में स्लाइटली फॉलिंग टेंडेंस रहेगा। फिर मिनिमम टेम्परेचर स्लाइटली फॉलिंग टेंडेंसी रहेगा अगला 2 दिन में, फिर उसके बाद स्लाइट राइज कर सकता है, फिर 5th से स्लाइट फॉलिंग होगा। कुल मिलाकर के जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। अभी भुवनेश्वर सिटी में जो है मेनली क्लियर स्काई रहेगा अगला 2 दिन में। फिर 1, 2, 3 इस समय हमारा भुवनेश्वर सिटी में पार्टी क्लाउड स्काई होने का चांसेस है। 1-2 दिन का अंदर में 1-2 लाई हल्का बारिश भी हो सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर आज 32 का आसपास ही रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कल 20 का आसपास रहने का चांसेस है।